नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आदित्यपुर श्रीराम डिवाइन विद्यालय में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया, जहां क्लास नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चे द्वारा कई तरह के खेल खिलाए गए। हर वर्ग के बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पुरंदर पुनारायण सिंह, धनंजय कुमार गुप्ता एवं विद्यालय के डायरेक्टर श्रीराम यादव एवं कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राम निभाई अकेडमी कंवरिया में खेल कूद प्रतियोगिता कराई गई, जिसके दो भाग में कराई गई। पहला भाग में नर्सरी से लेकर सिंगल फाइव तक और दूसरे भाग में क्लासिक से लेकर 10 तक कराई गई। आज हमारे स्कूल में हम वार्षिक खेल कूद का प्रतियोगिता रखे थे, जिसमें हमारे बच्चे नर्सरी से क्लास 10 तक भाग लिए थे। और उस खेल प्रतियोगिता में जिसका इवेंट्स है, कुछ कुछ हम इवेंट्स आपको बता रहे हैं। बिस्किट रेस हो गया, फ्रॉग रेस हो गया, गार्लैंड रेस हो गया, और बड़े बच्चों में 200 मीटर रेस हो गया, सेक रेस हो गया, ये सब हमने रखा था। और खेलकूद जहाँ तक हम जानते हैं बच्चों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है। और उस दिन बच्चे पढ़ाई को भूल के और प्रतियोगिता के बारे में जान के, इसमें एक कंपटीशन टाइप का होता है जिसमें ये बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें जीत के अपने भारत को नाम रोशन करना है। पुरस्कार का आयोजन किया गया था और हमारे चीफ गेस्ट श्री धनंजय गुप्ता भी आए हुए थे और मैनेजमेंट मेंबर पी डी कुंडू भी आए हुए थे और हमारे डायरेक्टर सर श्री राम सर वो ऑर्गेनाइज किए थे प्रोग्राम। क्या नाम? श्री राम यादव। आपका? वंदना सिंह। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।